सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनू देव। आज हम जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध लोगों के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देते थे। बहुत दिन पहले की बात है, धन्ना सेठ नाम करके एक व्यापारी हुआ करता था। इसके पास बहुत सारा धन था, इतना धन था कि 7 पुत्र तक कमाने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद भी इनका मन अशांत रहा करता था। कभी धन के सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापार में प्रतिस्पर्धा की चिंता। चिंता के वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जब इनका मित्र इनका ये दशा देखा तो दशा देखने के बाद वो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाने का सलाह दिया। सेठ तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपना समस्या बताया। समस्या सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने सांत्वना दिया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बुद्ध बोले, बस तुम कुछ दिन हमारे यहाँ रहो, यहाँ रह कर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहने अनुसार ये ध्यान करने लगा, किंतु इनका ध्यान में मन नहीं लगता था। जैसे ये ध्यान करने बैठते थे इनका ध्यान इनके दुनिया में चला जाता था। चिंतित होकर ये बात बुद्ध को बताई। ये प्रश्न सुनने के बावजूद भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिए। कुछ देर बाद सेठ बुद्ध के साथ वन भ्रमण में निकल गया। कुछ देर बाद सेठ के पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के बाद दर्द के मारे वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब बुद्ध देखे तो बोले कि बेहतर होगा कि तुम अपने पैर से इस कांटा को निकाल दो, जब कांटा निकल जाएगी तो दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने अपने मन पे काबू किया और उस कांटा को निकाल दिया। कांटा निकलते ही उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध और घमंड का कांटा तुम्हारे मन में चुभा है। जब तक अपने मन के संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे तब तक तुम और तुम्हारा मन अशांति रहेगा, अशांति रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और वो निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्प बद्धता अनिवार्य है। जब तक कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय ना कर ले तब तक अपने कुप्रवृत्तियों से वो मुक्त नहीं हो सकता है, वो अपने गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता है। विचार करने योग्य बातें आप स्वयं विचार करें।